ये 14 के क्या कह रहा था? इधर आइए, इधर आइए। क्या भाई तू कहता है कि श्री गुरु चरण सरोज वेद निर्मल मुकुर सुधार और दो बीघा कर रहे वही तुम पूरा लियो। पहले ये कि दो बीघा कचरे भाई, जब कचरे भाई जाएंगे तुम भाई है फिर मूरा कैसे उठाएगा? कचरे तो होगी उसमें क्यों? तू ये श्लोक है तो जग में ज्वाला तू बड़ी, जग में ज्वाला ते बड़ी, तो से बड़ो न कोई, हर एक खंड नौकी तुम्हें मेरी मात करे सोयो। जग में ज्वाला बड़ी बता, खजूर के स्वर लंबो, बस यही तुम्हारा ज्ञान है। खजूर से बड़ी ज्वाला आती, वो हमारी अय्या आती है बना ज्वाला गंठी आती बना। सारे उस ज्वाला की बात नहीं हो रही है, ना पेड़ पौधों की बात हो रही है, वृक्षों की बात हो रही है। ज्वाला कहते हैं देवी को, देवी हाँ, जिसे नौ दिनों में धूम मचते, नौ दिनों लगते हैं क्या? ये कौन महीना में लगते हैं? नौ देवी नौ दिन मनाते हैं लोग। ये कौन महीना में लगते हैं? ये चैत के महीना में। क्या दिन लगते हैं? अबे नौ दिन, नौ दिन क्या है? हमारे मास्टर को बहुत देर से उल्लू बना रहा है, क्या दिन में लगते कब लगते? यही ना नाला कहीं के साल में दो महीने होते हैं इसके नवरात्रि को, नवरात्रि समझ गया? और भैया श्रावण वाले थोड़ा बात बढ़ा देंगे दोनों की। ये कौन से महीना में लगती देवी? पहला महीना चैत का आता है, दूसरा महीना कुंवर का आता है। तो कितने दिन लगती है? नौ दुर्गा नौ दिन। अच्छा नौ दिन लगती है। कहता है कि नौ दुर्गा लग गई, कोई भी कहता है कि नौ दुर्गा शुरू हो गई, ये तो ये कहना होता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अब जा तू कहां से, मेरे को पता है क्या कौन नहीं लगता है, 15 दिन ससुराल में जा दे वो कीड़ा पर के खप के आ जा, मैं जो अब कोई इलाज ही कराओ कोई ना। राजमंत्री इसी मंच पर बैठ जाइए, जब तक ऑर्डर न दे खड़े मत हो जाना, समझ रहे हो? हम तुम्हें ऑर्डर नहीं देंगे जब तक खड़े मत होना। क्या ऑर्डर? क्या हो गया? हाँ हमारे प्रिय सज्जन लोग, हमारे भाई लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। तुम्हारा भी टाइम आएगा, मैंने बोला नहीं था कि हर घंटे में एक चित्रांत दिखवाऊंगा। और जितने हमारे भाई बहन भक्त लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग हमारे शांति का परिचय देते रहेंगे तो हम तो सुबह चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग याद करेंगे, आ जाइएगा। बस क्या मांग रहा है? शांति क्यों नहीं? शांति देखिए सभी लोग बैठे हुए,
और ये हमारी छोटी मोटी पार्टी है, जिला औरैया ग्राम खरका की मनोरंजन से संचालित। इसके साथ एक आज के 4-6 साल बाद में आया था यहाँ पे, हो सकता ज्यादा भी हो गए हो। उस समय हमारे मालिक पुराने थे, विनोद बाबा विकलांग जीवन समय द्वारा ये पार्टी संचालित थी। आज भी मैं उन्हीं का नाम चला रहा हूं। ग्राम कोहना खरका की मलैया जिला औरैया, और हमारा हर प्रोग्राम यूट्यूब पर देख सकते हैं निरंजन सिंह चैनल से। और हमारे जितने साथीगण हैं जो आप चैनल पर देखेंगे, वही फेस टू फेस भी देखेंगे। हमसे या हमारे कलाकारों से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसके वीडियो बनाने वाले हमारे निरंजन सिंह जिला औरैया ग्राम यानेपुर, और हमारे जो साथ में संगति कर रहे हैं हमारे कौमिक कलाकार जी श्यामंगल ग्राम सुरांगा, हमारे जो भाई साहब अभी आप लोगों के समक्ष में हारमोनियम लिए खड़े हैं, मास्टर का रोल कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप लोगों के सामने ये हमारे साथ संगति करेंगे जनाने रोल में, और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं ओम प्रकाश जी ग्राम द्वारकापुर के रहने वाले, और हमारे मास्टरी पे हारमोनियम पर संगति करेंगे हमारे श्री आशाराम जी द्वारकापुर के रहने वाले, और हमारे दिनेश जो झनकार दे रहे हैं मुरादगंज जाना गांव से के रहने वाले हैं, और आज तक किसी वीडियो में मैंने अपने पर्चे बताए ही नहीं, क्योंकि 99% लोग हमें जानते हैं। तो आइएगा, हमारा अगर प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा नंबर है 9311880706। धन्यवाद। आप लोगों के सामने कथा का आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी। भक्त हरदौन मरा हुआ भाई देखिए कैसे कुंजाभट को भाग कहलाएगा, देवर और भाभी का क्या, और जुधार सिंह और चंपावती और चुगल की चुगली, ये सभी सीने आप लोगों को दिखाई जाएगी। आप लोग सिर्फ शांति से बैठे तो आइएगा, कहना है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर, गुरुर् पराब्रह्म साक्षात् तस्मै श्री गुरवे जय 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 गिरिजासुमन करो सिद्धि मम काज आन बिराजो कंठ में सो राखो जन की लाज। क्या कहना चाहे हमारे पास आ जाओ, ठीक है आवाज कम होगी मैंने खुद ही बोल दूंगा। तो आइए हे मात मनाऊ सरस्वती मैया करो हृदय में बास, लाओ पड़ी मझधार में सोखे के लगा दे हार, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपत महाराज, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपत महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको सो पूरन कीजो। चाहिए आप लोगों से भी कहना है, जितने हमारे भाई लोग हमारे बूढ़े पुराने हमारी माताएं बहन, आपसे भी कहना है क्या सुनेगा कि आज सभा के बीच में
अरे जो जन बैठे हो सबसे मेरी नमस्कार जो जिस लायक हमारे नौजवान साथियों हमारी भूख तक पड़ने वाली हमारी माता बहने आइएगा समय को देखते हुए 5 मिनट की माँ के चरणों की वंदना कहेंगे, इसके बाद कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तो आइए कहना है नाग मंत्र। अंजन सुत बंधन करण श्री अंजन सुत बंधन करण और महावीर बजरंग करी सहाय रघुवंश की जो रहे हमेशा हे जी रहे हमेशा संग आप नाम की करी सहाय सीता की सुध लई फेर गढ़े लंक जलाई हे जी कहा अखिलेश पुकार सेवक अपनो जान लाज रख ले बने तुम बार बार ऊपर नीचे हो रहे हो, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाओं को, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? लेकिन तुम कान कहाँ दे? नहीं ऐसी क्यों नहीं, तुमको भी हम टाइम देंगे। मैंने कहा नहीं कि जब मैं बोलूंगा तब तुम खड़े हो जाओगे। तो आइए खड़ो हो गए ऐसा मारूंगा थोड़ा गर्दन में तो टोपी ऊपर ही लटकी रह जाएगी। अच्छा ये बताओ तुम क्या क्या जानते हो? रामचरित मानस में कुछ जानते हो? रामचरित मानस का किलो ले आओ। अच्छा किष्कंधा कांड। क्या किष्कंधा कांड? हाँ जुकरिया पुराण, जटकूटा। अच्छा महाभारत। हाँ मौका पहुँच किष्कंधा कांड ये हमारे सभी आज की टाइम में 1-8% नहीं कह सकते जो अनपढ़ हो वो भी हम सगाते, बाकी सब थोड़े थोड़े पढ़े लिखे हैं। आज तक किसी ने किष्कंधा कांड कोई किताब में सुना नहीं? सुना होगा तो करिया पुराण हमने नहीं सुना तो और बेचारे क्या सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाभारत अखंड रामायण भजन कीर्तन कव्वाली ये तो घर घर में बज रही है, लेकिन आप तक ये भौंका कांड किस किताब में लिखा है? क्या मास्टर पहले सुनो जटकूटा। इस नालायक पर ये पूछो कि ये भौंका कांड किस किताब में लिखा है? क्या नंबर पेज पे लिखा है? भौंका कांड बता रहे हो, ये कौन सी किताब में है? भौंका कांड कौन सी सभा में? चौथे पेज में देख लो 420 सफा है। कोई तो 420 समझ में आ रहा है, चौथे पन्ना में देखो पिछाओ। तो रामचरण मानस सुनाइए जो भौंका कांड बता रहे हो ये सुनाइए कैसा है? हम तो मैं सुना ऐसा तो नहीं है तुम्हें बना लिया हो ना, हमने छोड़ो बनाओ। अच्छा देखो है वो तुलसीदास का है। अच्छा जब कैकेयी माँ ने राजा दशरथ पे 2 वरदान मांगे थे, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। अच्छा वहाँ की बात है, वहाँ की यानी राम लक्ष्मण सीता ये किस तरह से निकले घर से? किस तरीके से निकले? हाँ जब पंचपटी से निकल रहे कहाँ जा रहे? चित्रकूट से। और केवे केकई को ये ज्ञान किसने दे दिया था? मैं? हाँ राजा देखने बैठ
इतना मारूंगा राजा दशरथ कहेंगे कि हमारे बच्चे बल, बल में भटकते फिर। बल में नहीं, वो तो विश्वामित्र की बात थी, मन था विश्वामित्र। आगे आगे कौन जा रहे? कौन जा रहे? राम भैया और तिनके पीछू लक्ष्मण भैया। अच्छा, और तिनके पछाऊ सीता अय्या। कहिए बौका कौन सुनाइए? जब पंचवटी से निकले चलत 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 चितकोट पहुंचे। चितकोट कोट? हाँ चितकोट, चितकोट कोट। जब पहुंचे जाए तो वहां मुंह मां पूछ के देने लग जाए। नारा के एक बात तो एक्स्ट्रा बोलेगा, वो इतनी ठंड पड़े बड़ी जो अब मन बड़ी दिक्कत भाई। अच्छा, कई कहूँ पे सामान है नहीं कछु। इसका सामान बोल बे पहन बे पकड़ नंगे गए थे ऐसे ही चल जा। क्या हुआ मास्टर साहब? बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ? चित्रकोट के घाट पे लगी लखन को ठंड, रामचंद्र कहने लगे मरो लक्ष्मण कहे जाए। कहने लगे कि मरो लक्ष्मण के ठंड में। अब नारा कहीं के आज तक इतनी गायत्री और किताबों में मैंने सुना कि रामचंद्र को कभी जिसको क्रोध नहीं आ सकता है उसके मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकल सकता है, फिर भी अपने भाई लखन को गाली क्यों दे रहा है? अच्छा, चाहे कोई 50 गाली दे जाए राम को कभी किसी से नहीं काटते, लेकिन बाद में लक्ष्मण को हम मौका ही पैदा है। अच्छा, हम मौका ही पैदा है। अच्छा चलो मान ले, जब उन्हें ठंड लगी फिर क्या हुआ? लक्ष्मण से काम क्या कहने लगे? एकदम थापा रो क्या कहने लगे? लगी लखन को ठंड, रजैया काए नहीं ले आए, 14 बरस को बनवास यहाँ का आइये चुदान। नहीं तेरा मौका कौन था? क्या सारे पागल बना रहे? इधर आओ, जब तुम्हें नहीं कहना आता है तो क्यों कहने लगता है? क्यों जरूरी है कि बोलना? ज्ञान की बात। अच्छा ये बताइए तुम्हारा जो टिटकूटा है वो क्या है? टिटकूटा? हाँ तुम किसकंडा कांड सुनो पहले। किसकंडा कांड सुनाइए क्या है? सुनो किसकंडा कांड सुनियो भैया, तुम्हारे ना समझ में आए तो हम पे पूछ ली के करिया जारो। करिया जारो? अरे करिया जारो और लाल निकारो और उकरू देख के ठपा ठप मार। क्या कहना है? करिया जारो लाल निकारो, बहुत मारेंगे इसको, खंडन करके बताइए। अरे हमारे नहीं किसी के, अगर इन्होंने अगर ये बात को खंडन नहीं किया तो जितने अभी शांति से बैठे इतने पड़ेंगे कि टोपी ऊपर उड़ेगी। इसका खंडन करिए। लाल और करिया का मतलब क्या हुआ? इनके नहीं समझ में आया तो क्या भैया समझ में आए? तो बताओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो बताओ।
एक किसान था किसान। अच्छा कथा हाथ चला तो करे जोतक जोतक बखोर मुथरो है गो। अच्छा सुबह में ऐसे खटिया पे टांग दो पर साथ में भीज भीज में काई लग गई। फिर बाकी वो उठाई फिर पानी बस तो खेत में वो थी तेरी फल की फारो बहुत मुथरो सुबह ने उखारो और लो पीटा के ढेंगा ले गो जैसे भाटगड्ढा भाटगड्ढा के ढेंगा ले गो भैया ने जो पीट जो हमारी कल जाए गई। अच्छा हमें कल ले जाओ मैं जा हां के कितने पैसा लिए भैया 50 रुपया लो करिया धरो फाड़ो काई लग गई बने एक तो बने केवला दादो बने धर घूसो भाई लगा फट कर दिया ने धोकनी ने कई देर में लाल लगाई सेक्सी माने और भटगट दिया दे गई उठा कान तो एकदम दबा कर माने तो लंबो करता क्या मारो। अच्छा यही इसकंदा कान ले करिया डारो लाल निकालो करिया डारो लाल निकालो साई को लगो खो हाँ उसमें आग में लाल हो गया और भटगट जब वो करूं बैठ कर ले हथौड़ा ले बैठे चलो अब तुम जा रहा झूठ सांस करो बंद आप शांति सो जाइए ठीक है नहीं तब मारेंगे दिमाग सुधर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं बोलोगे ठीक है बिल्कुल नहीं मास्टर तब हुआ हारमोनियम बापे माइक पे बैठ गया शेख मार ढोलक बाद में कमाई बात चल रही तो आ जाए तुरंत मेरे पास। हाँ आइए अब चलते हैं माँ की बंदना की तरफ उसके बाद कथा सुनिएगा और इससे पहले उसकी हारमोनियम की बात पर आगे भैया बाज बेर बाजत धूम के निगाले साज और बाज बेर कर कुदार खेत गोर आइए रे। आज और कल तक कोई नहीं जानता है राजमंत्री आज हमारे पास ये शरीर पे वस्त्र है कल पता नहीं हमको फटे पुरानों से गुजर करना पड़े ध्यान दीजिएगा दो लाइनों की बाजी बेर बाजत धूम के निलारे साज और बाजी बेर कर कुदार खेत गोर खाइए रे। तो बाजी बेर ओढ़ने को साले और दुसाले है और बाजी बेर कमर ते तू के ओढ़ खाइए रे। बाजी बेर साल और दुसाले है और समय पता नहीं भगवान ऐसा ना है जिससे टुकड़ों से गुजर करना पड़े। तो किसी ने कहा है क्या कि बाजी बेर सभा बीच हुक्म हाल हासिल होते हैं और बाजी बेर पाचन के लाखों तेल सही है रे। बाजी बेर आज ऐसा समय है कि किसी भी भाई से बोल दूं कि भैया आज हमको गुटखा चाहिए पानी चाहिए तो यहीं पर मिलेगा कल का पता नहीं ऐसा टाइम आ जाएगा किसी से बोल देंगे गिलास पानी दे दो तो वही कहेगा चल के पी लो बात मत ये सिर्फ टाइम टाइम की बात है। तो फिर क्या है टाइम की बात ये कि कंठ बिन राग ऐप लाग बिन बैराग और नाम के नाम में क्या सब दे आएगा चलते हैं राजमंत्री समय को देखते हुए क्योंकि नहीं तो ये बैठे ये समय कहेंगे कथा पूरी करके आए दिनेश हे
चाह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? अरे एक नारे हमने ऐसी देखी। कैसी प्रधानमंत्री? अच्छा कोई अजीब सी, कोई खास विशेषता थी? पैसे वाले, पैसे लेने वाले कमेडी राव, वो कैसी थी? इतनी मोटी ताजी, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी, हमें कब होगी? अच्छा, अरे अच्छे करती होगी ना, खाती पीती होगी? कहाँ देखी? कहाँ देखी? इटावा। अच्छा, ऊपर रोडवेज बस में बैठी तो जैसे तैसे द्वारो फोटो रोडवेज बस को रहे, जैसे तैसे ना बस पाई में। अच्छा, तो पूरी स्पेशल सीट गिर गई। अच्छा, तीन सवारी की सीट अकेले गिर गई। इतनी मोटी ताजी। हाँ हेलो, राजू, राजू भाई साहब, गौतम ठेकेदार, इसी गांव के निवासी, 10 रुपए आपके लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो तबला खोल के बजाओ, चाहिए तबला खोल के बजाओ। का खोला के बजे बंद करके इसको बजाओ, देख ले पैसे ले ले। अब कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? सिकंदरा से जमुआ। अच्छा, जमुआ गांव पड़ता है सिकंदरा से। हाँ हाँ जानते हैं। बड़ी गाड़ी में हम बैठे, मेरी साई बदी से जमुआ। अच्छा, ओ इतनी जरूरी रहे कंडक्ट करने के, उतारो 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 सिकंदरा में। अच्छा, बेचारी खिड़किया में अड़ गई, इतनी मोटी रहे। हाँ हाँ, ड्राइवर गाड़ी ठाड़ी करे, कंडक्ट करे, उतारो 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 उतारो। दीदी ऐसी खिड़किया में अड़ी, कंडक्टर आओ, बस के बहुत देता है, हमें जान पड़ जाएगा। कंडक्टर आओ, कंडक्टर में एकदम दारू दी नहीं समाली। अच्छा, खिड़किया में अड़ी हम देख रहे हैं, पास तो करिया को होटल दो, लग दे जा रहे हैं। हाँ, मकान मालिक से कहना है कि एक पेटी कोट और गगरी मूसर फकनिया, अगर लीला को सही तरीका से देखना है तो पूरा आपको स्टील दिखा के चलूंगा। आ गया, बहुत बहुत सारे मूसर फकनिया भेज दे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे तैसे तू कर गया, समेट के झोरा लेके खाली हो। अच्छा, अब तांगा वाले के देना गई बोल बापू, तांगा वाले को क्या काम रहा है? क्या काम था? कि सिकंदरा से सवारी भरे जम्मू ले दो, जम्मू से भरे सिकंदरा। अच्छा, अब की तैयारी आती जम्मू जाए के लिए, तो तू कर ये जम्मू ही जा। अच्छा, मान कर ये तांगा वाले, ये तांगा वाले जो बने तांगा वाले ने मैं सवारी देखी। अच्छा, पान की पेटी धरी थी बल्कि पिछाऊ चाक लग रही, यानी कि इतना तगड़ा शरीर था ना, भाई पैसा दिएगा होते ही सवारी है, और हम पूरा तांगा भर के ले जी। अच्छा, वो जाइए पूरा तांगा भर के, हमें पैसा कहाँ कहाँ माने कहीं माता राम को बटान दे, बटान माता राम का अलग ही लेना, ये ना हमें बहुत जरूरी काम है, तुम पैसा बताओ, हमें पैसा पैसा आपने दिए तांगा के। अच्छा, तो भाई चखल ली भाई, हमारी तो हमें ले जाने, हम जय को अकेले ला दे ला जाए, पैसा पूरे मिले। पर क्या हुआ? तो माता राम रुपया 300 लगे जम्मू तक। अरे जरा कभी कम कर ले, अरे 300 ना कछु कम दे दियो। अच्छा, ढाई सौ दे दियो। शांत रहो भैया, शांत रहो, शब्दों को सुनो, उसके बाद सुनते रहिए। कि लेला और कछु कम कर ले, तो तुम ऐसा करियो माता ना, तो तुम दो सही पे आए। अच्छा, तो जैसे तैसे दुखरिया बने 200 रुपया में पटे ले, सवारी के बताए क्या कह रहा है कि 200 रुपया दुखरिया पटा ले। अरे सवारी क्या हो गई 200 रुपया? हाँ तो ऐसा मैं नहीं कहता, तू तो कह रहा है कि 200 में दुखरिया पटा ले। अरे तो भाई कह रहे हो क्या, तो ऐसे में सवारी तय हो गई। अच्छा, मान के आ माता राम बैठो, मैदान नहीं उधर वहाँ होगी सिकंदरा, माता राम को पकड़ो
ओले भाई जैसे ही बैठा रहो जैसे ही बांस पर लाल धारी भीतर हो नहीं बैठ पाए घड़िया के पाए ऊपर अच्छा तो बजट तो करिया में रहे तागो में नहीं बैठ पाई वो घड़िया हो चेक कर अब तो 5 मिनट तक हो तागा वालों के आजा नीचे आजा नीचे आजा नीचे आजा अपाई कसम बड़ी देर में घड़िया नीचे इतना बदल था इतनी देर में टंगी रही घड़िया की इतनी निकल गई क्या अच्छा फिर क्या हुआ चलो आगे बोलो जल्दी पा रहे चले ठीक है भगत
तंत्री का चले इलाज द्वार किया महा गाली और क्या है अरे लाल तो तुझारे को यहाँ तो है भवानो
बिल्कुल फ्री ना फरमा दे हमारी पार्टी धन्यवाद खम्मन खम्मन तंगे पिंजरा जहां मैना बोल रही पानी और क्या है सुनेगा ये सुरेश सिंह सिकैला निवासी लड़का के भाई ये 20 रुपया बिल्कुल फ्री था फरमाते हमारी पार्टी धन्यवाद हाँ हमारे झील सकने वाले से कहना है कि सिवरी झील नहीं आना चाहिए ये तुम्हें सीरो बना दो ये हमारे राम बरन शर्मा जी राम भजन अच्छा ये आगे हमारे श्रीमान जी राम भजन अच्छा अच्छा राम भजन जी यानी शर्मा जी ये हम सब कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री दे रहे हैं धन्यवाद जब जब हम आए तो मैं ऐसी मुस्कुराते रहा शुक्रिया ये मोनू लड़का के भाई सिकैला निवासी बड़े भाई मोनू ये 20 रुपए तवलची के लिए ये 20 रुपए हमारे वास्ते बिल्कुल फ्री आता फरमाते हमारी पार्टी लगा खम्मन खम्मन तंगे पिंजरा जहां राज्य मंत्री मैंने बोल रही पानी और क्या है अरे आते ठंड है आप मतन बाजे जहां मैया जो तेजा स्वामी अरे तो मैं बहन
छेरी बकरी चार एक ही घात ओरछे के अंदर पानी पिया करता करते थे। उनके राज में प्रजा को पुत्र के समान समझते थे महाराज दीप सिंह। आइए मेरे साथियों, उस समय जुझार सिंह की शादी हो चुकी थी, जुझार सिंह की शादी हो चुकी थी राजमंत्री। उनकी प्रेम प्रिय का नाम क्या था जानते हो? चंपावत। वीर सिंह के आंगन में चंपावत नाम की पुत्र वधु जुझार सिंह की पत्नी वीर सिंह के आंगन में आई हुई थी। हेलो सुरेश सिंह, सुरेश सिंह इसी गांव के निवासी। सुकेला 10 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं भाई साहब को, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। और आइए, इतना उनका वीर सिंह का परिवार था जितना मैंने आपको बताया। अगर कहीं कथा में फॉल्ट नजर आए तो अभी नहीं तो सुबह आप हमसे पूछ सकते हैं, और वैसे तो गलती होगी नहीं, और अगर हो भी जाए तो माफ कर देना, क्योंकि जो बकता होगा तो हर की पूरी तो गलतियां होती रहती हैं। तो आइएगा, आज महाराज वीर सिंह कैसे ओछे का राज चलाते थे, आइए उनका दास्तान में सुनाता हूँ, सुनिए। पहले कुछ नियम हुआ करते थे, वो कौन से?
सुनिएगा कि जो घर में बड़ा लड़का हुआ करता था वही राज का मालिक बनाया जाता था। तो उस समय महाराज वीर सिंह ने अपने बड़े बेटा के नाम राष्ट्र कर दिया था। अब वो कैसे सुनेगा, अरे राजा की हाय आपके दावे नीत से है, अरे काम काज सब क्या है
ये दोहा भीम सिंह के बेटा का जोधा सिंह का दास्तान और राजमंत्री। अब आ जाइए उनकी धर्म पत्नी चंपावती की तरफ। वो अपने देवर और पति को इतना प्यार करती है, सुनेगा मास्टर। अरे सतपादन थी हाय ब्रह्मचार्य थी, कौन जोधा सिंह की पत्नी चंपावती। अरे सतपादन थी हाय पति पर तपत की कलयुग था, समझ रहे हो ना, और आज भी कलयुग है और आज की भौजाई को तो तुम देख ही रहे हो। सुनिए, देखिए आप चंपावत अपने देवर को कितना प्यार करती हो, वो कैसे, सुनिए जैसे गंगा जमुना, सुनिएगा ए मास्टर।
हे जी सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मगन दिने राती। कौन? चंपा भक्त भाभी उनकी। हे जी सुख सागर में बहे अरे प्रेम से रहे मगन दिने राती मगन दिन राती ते पर भाभी की प्रीत रहे के बरनी नाए चाहती नमस्कार। देव पुत्र समान
अभे नादान खिलाती खाती जबकि कोमल सूरत देख बड़ी हंसाती। हालो लला की बुआ नवारी दस औरी बाली दस पे हमारी पार्टी की बिल्कुल ठीक है। आ जाइए आपको एक एक लाइन फोर फोर के मैं बताऊंगा। आइए अब सेवर की तरफ। हर दौर की अवस्था कितनी थी राजमंत्री सुनिएगा मास्टर जी। ए जी हो नातानी रे उमर को बना दो नहीं।